हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन स्टेटस ऑनलाइन कैसे ट्रैक करते हैं। अगर हमने बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया हुआ है और हमें यह जानना हो कि हमने जो क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है उसकी स्थिति क्या है, मतलब कि स्टेटस क्या है अभी के टाइम में, हमारा क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अभी अंडर प्रोसेस है या फिर अप्रूव हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है, तो हमें कैसे पता लगेगा, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। तो चलिए सीधा प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर विजिट करना होता है और उसके बाद यहाँ पे आपको जो लिंक्स का ऑप्शन मिलता है इस पर टैप कर देना होता है इस तरह से। तो जैसे ही आप लिंक्स वाले ऑप्शन पे टैप करते हैं, आपको यहाँ पे इंटरेस्टेड इन आवर प्रोडक्ट्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इस पर आपको इस तरह से टैप कर देना होता है और थोड़ा सा वेट करना होता है और उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। तो यहाँ पे आपको ट्रैक स्टेटस का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको इस तरह से टैप करना होता है और उसके बाद आपको फिर से ट्रैक स्टेटस वाले ऑप्शन पे टैप कर देना होता है। अब यहाँ पे आपको अपना रेफरेंस नंबर इंटर करना है। जब आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया होगा, चाहे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिला होगा और वही रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। और उसके बाद यहाँ पे जो वेरिफिकेशन कोड होता है, ये आप जैसे कि देख सकते हैं, ये वेरिफिकेशन कोड आपको इस बॉक्स में एंटर करना होता है और उसके बाद सबमिट पर टैप कर देना होता है। तो आइए अब हम सारी डिटेल्स फिल करके और सबमिट पर टैप करके बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन स्टेटस चेक करते हैं। तो ये रहा हमारा करंट स्टेटस, डॉक्स कलेक्टेड, मतलब डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लिए गए हैं। तो इस तरह से हम बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। और अगर आपसे कहीं पे वेरिफिकेशन कोड एंटर करने में, जैसे जो कैप्चा कोड होता है एंटर करने में, कोई मिस्टेक हो जाए तो आप दोबारा से उसको ट्राई कर लीजिएगा। तो ये था तरीका बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक करने का। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।